ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे मेरे साथी। मैं अपनी ओर से उम्मीदवार के तौर पर अपने सगरी वासी और आजमगढ़ वासियों को यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि आप सबका सहयोग और समर्थन लेके जब यहाँ से सांसद बनूंगा तो आप यकीन रखना जो सत्य नेताजी की आदरणीय अखिलेश जी की परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये हमारा देवाना का इलाका, हरैया का ये इलाका, हम जानते हैं कि बाहर से बहुत सारे इलाके के लोग बरसात में बांधों पर रहना पड़ता है। मैं आज अपने सगरी के लोगों, कल मैंने कटान की सभा में भी कहा था और आज हरैया की सभा में भी कहता हूँ, जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी की कलम में ताकत आएगी इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए स्थायी निदान कराने का काम करेगा। बताओ जो पुल बन रहे थे 7 सालों से, उन पुलों पर एक ईंट नहीं रखी है, बताओ बाबा जी क्या मांगने आए उस तगड़ी वालों से। 7 सालों से जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्वीकृत किया हुआ पुल था, उस पुल का भी पैसा आपने रोक दिया सगरी वालों से वोट मांगने का, आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है साथियों। बीजेपी के भाषणों से अब देश की जनता उठ चुकी है और आने वाली 4 तारीख को देश की राजनीति में एक नया सवेरा होने जा रहा है और वो एक ऐसा सवेरा होगा जो हमारी माताओं बहनों का, हमारे नौजवानों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे बेरोजगारों का, हमारे नौकर पेशा लोगों का, हमारे मजदूर भाइयों का, सभी का ख्याल करने वाली कोई सरकार होगी तो हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार जो आपके आशीर्वाद से 4 तारीख को बने। बताओ 4 तारीख को बनाओगे आजमगढ़ वालों के?
ये आजमगढ़ की सरजमी तो वो सरजमी रही है। चाहे प्रदेश में कहीं कोई चीज की हवा चली हो, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी का और नेताजी का झंडा ही चला है। तो बताओ, लेकिन अच्छा विधायक जी आप चले गए थे, कम से कम बीजेपी की सच्चाई आप जान के वापस अपने घर आता है। क्योंकि ये बीजेपी ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों के, दलितों के, नौजवानों के, किसानों के, बुनकरों के, व्यापारियों के, मजदूरों के, सभी के खिलाफ है। अगर ये किसी के पक्ष में है तो केवल कुछ ऊनी पे गिने हुए गुजरातियों के पक्ष में है, बाकी किसी के पूरे देश में पक्ष में नहीं है। इसलिए संविधान बचाने की लड़ाई में जहाँ मुझे सांसद तो बनाना ही है, वही जब आपका सांसद बन के जाऊंगा तो आपको भरोसा दिलाता हूँ, संविधान बचाने की लड़ाई में चाहे खून का आखिरी कतरा भी चला जाएगा, लेकिन उस लड़ाई को कमजोर नहीं होगा। इसलिए इस मंच से अपने दलित भाइयों से भी कहूंगा, बाबा साहब ने अपने जीते जी आशीर्वाद लेके जब दिल्ली तक जाऊंगा तो संसद के अंदर आपकी आवाज को कमजोर नहीं होने दूंगा, आवाज रहेगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि सभी के लोग भी, अरे कहरिया विधायक जी भाजपा में देखा है, भाजपा पिछड़ी विरोधी है, दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, इसीलिए विधायक जी वापस अपने घर में लौट आए हैं। क्योंकि तो मैं जानता हूँ विधायक जी आपने बहुत संघर्ष किया है, आप बीजेपी में टिक ही नहीं सकते थे, इसीलिए आप लौट भी आए, उसके लिए आपको धन्यवाद। भाई राम सिंह जी जिन्होंने समर्थन दिया श्री राम जी, उनका भी धन्यवाद देते हुए एक बार फिर माननीय डिंपल जी का आप सबकी ओर से, अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Yeah.
रखिएगा कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए, वचन जाएगा तो नहीं, भाजपा वालों की तरह तो नहीं हो जाएंगे, जो मंचों से बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, जो उम्मीदें को जगाते हैं लेकिन उम्मीदों पे पानी फेरने का काम करते हैं, तो आप उनकी उम्मीदों में पानी फेरोगे कि नहीं फेरोगे? मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन यह जीत आपके सहयोग, साथ, समर्थन और आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकती है, क्योंकि आप ही इस जीत को मजबूती देने का काम करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप धर्मेंद्र यादव जी को मौका जरूर देंगे कि वो आपके बीच में रह के आपकी सेवा करें। माताएं बहने हो, चाहे हमारे जवान हो, चाहे हमारे किसान हो, इस बदलाव और परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं और इन लोगों को हटाने जा रहे हैं जिनकी नीयत और नीति दोनों में खोट है, जो मंचों से आज पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, हमारा युवा निराश है, हमारी माताएं बहने अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रही है और हमारा किसान बर्बाद है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपके साथ से, सहयोग से हम आजमगढ़ को जीत ही रहे हैं, ऐतिहासिक जीत। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ कि आप सब ने मिलकर जो सभा को सफल बनाने का कार्य किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कल बिलरियागंज बघेला में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 10 बजे आगमन